With all of you, and last time we met, it was after going around the entire Himachal Pradesh and understanding the dynamics of Himachal Pradesh. और आज जब कल आखिरी दिन था नामांकन पत्र भरने का और सभी प्रमुख दलों के जो सूची है प्रत्याशियों की वो आ गई है, उसके बाद हमने एक पूरा आंकलन किया और एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक एक प्रत्याशी का एक आंकलन करने के बाद मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि सर्वे के आधार पे और जो ग्राउंड की स्थिति है, जमीनी सतह पे जो हालात हैं, सियासी हालात हैं, उनको समझने के बाद उनका पूरा एक एनालिसिस करने के बाद हमें ये यकीन हो गया है कि रिवाज बदलेगा और हिमाचल प्रदेश में एक मर्तबा फिर भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एक सरकार दोबारा कायम होगी। ये तय हो चुका है, पहले तो सियासी समीकरण से हुआ था और हमारे जो विरोधी दल हैं उनके अपने अंदरूनी ढांचे की कमजोरी से हमें यकीन था और लोगों के भाजपा पे विश्वास, भाजपा के नेतृत्व पे विश्वास की बुनियाद पे हमें यकीन था कि ये सरकार बनेगी। लेकिन कल जब प्रत्याशियों की भी लिस्ट आई और जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको देखते हुए बड़ी जिम्मेवारी से मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगली सरकार जो है वो भाजपा बड़े कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ हिमाचल में बनाएगी, क्योंकि लोगों का यकीन, लोगों का विश्वास, हिमाचल की जनता का डबल इंजन सरकार पे है। केंद्रीय नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे है और यहाँ की सरकार पे जो 5 साल की कारकर्दगी है उस पे यकीन करते हुए लोगों ने मन बना लिया है। ये हमारा आंकलन है, ये ग्राउंड की रिपोर्ट्स हैं और हम बड़े मुतमईन हैं कि एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एनालिसिस करने के बाद हमारा इंटरनल जो एनालिसिस है उसके बुनियाद पे, विच इज बेस्ड ऑन सर्वेस फ्रॉम मल्टी डिफरेंट कॉर्नर्स, we are very confident that BJP will form a government after the elections with an absolute majority. Thank you very much, and that's all that I wanted to share with you. And I'm open to all questions. आपके BJP के इतने रेफरेंस हैं तो कैसे आप कहते हैं कि इसमें ना बचा रहे कि बना रहे? 29 तारीख तक इंतजार कर लीजिए भाई, what is the hurry? Things will change after the 29th. Are you persuading them? You will see the change on the 29th. Wait till the 29th. Don't hurry through. Sir, आपने बोला कि सर्वे है, तो सर्वे बीजेपी ने इंटरनल कितने सर्वे हुआ है? अब मुझे ये नंबर देने की जरूरत नहीं है, पर मल्टीपल सर्वेस हम तो जानना चाहते हैं और पब्लिक ओपिनियन, मल्टीपल सर्वेस टू नो द पब्लिक ओपिनियन। इसमें आपका सैंपल साइज अगर कुछ बता पाएगा? नहीं, मैं सैंपल साइज में अब उस बारीकी में नहीं जाऊंगा कि सैंपल साइज कितना है। क्रेडिबल सर्वेज और इंटरनल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में, अब आपने ये बात चूंकि छेड़ी तो उसका जवाब मैं दे दूं। जब आप सर्वे की बात करते हैं, एक इंटरनल मैकेनिज्म है हमारी अपनी पार्टी का जिससे कि ग्राउंड से एक अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है और ग्राउंड के हर सतह पे, क्योंकि भाजपा एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मशीनरी है जिसमें हर सतह पे
ऑर्गेनाइज तरीके से वर्किंग होती है और एक प्रोफेशनल तरीके से वर्किंग होती है। हर सतह से एक रिपोर्ट आती है और मल्टी कॉर्नर मल्टी डायमेंशनल सोर्सेज विद इन दी पार्टी भी है जिनके बारे में आप जानती हैं, वो भी अपने सर्वेस करके आकलन करके ये देते हैं। और लोगों का हमें मूड जो है, एक सियासी आदमी जब जाता है, अब हमने सारे इन मैंने और मेरे साथियों ने प्रदेश के हर एक हिस्से में जाके फॉर्म्स भी भरवाए, जिस किस्म का लोगों का रिस्पांस है, जिस किस्म का लोगों का एंथुजियाज्म देखा गया, जिस किस्म का लोगों में जोश है, जिस किस्म से लोगों में एक भावना है, और लोग समझते हैं कि हमारी आकांक्षाएं और भावनाओं को केवल और केवल भाजपा ही पूरा कर सकती है, वो यकीन उनको जो है वो दिखता है, वो देखना परसेप्टिव वो यकीन उनको माननीय मोदी साहब और डबल इंजन की सरकार, वो चाहते हैं कि तरक्की का जो सिलसिला यहाँ पिछले 5 साल में शुरू हुआ उसको ना केवल मजबूत किया जाए, उसे और तेज रफ्तार से लिया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में सामने आए। देखिए, ये जो भी टिकट्स दी गई हैं वो बकायदा एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बड़ी डिटेल्ड स्टडी के बाद और 360 डिग्री एनालिसिस के बाद विनेबिलिटी को देख के, लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को समझते हुए और लोगों के दिलों की भावनाओं के मुताबिक ये सीटें बांटी गई हैं। इसमें कोई किसी का फेवरेटिज्म नहीं किया गया और जो भी हुआ एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से एनालिटिक तरीके से पॉलिटिकल एनालिसिस करके पॉलिटिकल डायनेमिक्स ऑफ द ग्राउंड को अंडरस्टैंड करके फैसले लिए गए। हाँ जी, पार्टी ने कल छुट्टू में टिकट बदल दिया विश्व सिंह जी का, और उनका आरोप है कि पार्टी ने मुझे कहा कि आप अपने बेटे को बिठा दो, ये तो हम आपका टिकट काट रहे हैं, बेटा भी लड़ रहा है चुनाव, और तो आप कह रहे हैं कि हमने सर्वे के आधार पर कैंडिडेट चुना है, तो ऐसा क्या गड़बड़ हो गया कि आप दूसरा कैंडिडेट चुना? देखिए, मैं माननीय महेश्वर सिंह जी एक बुजुर्ग हैं और मैं उनका मान सम्मान करता हूं, लेकिन वो जानते हैं कि वो टिकट क्यों काटा गया और वो भली भांति उससे एक प्रोसेस में थे और उस प्रोसेस में शायद कहीं उनसे कोई थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो बातचीत हुई उसमें कोई फर्क आया तो इसीलिए काटी गई। अब मैं उस पर बात करूं तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उस बातचीत के सिलसिले में मैं भी इन्वॉल्व था माननीय चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और मैं नहीं चाहता कि वो बात की जाए क्योंकि महेश्वर सिंह जी बुजुर्ग हैं, इस 80 का एज क्रॉस करके वो हमारे बुजुर्ग हैं और उनका मान सम्मान हम सब लोग करते हैं, लेकिन वो भली भांति जानते हैं कि किस वजह से वो टिकट कटी। पिछले बार भी वो ठहरे थे, उनका घर है, उनका प्रदेश है, क्या आप नड्डा जी को अपने घर में रहने से भी मना करना चाहती हैं? खबर तो ये भी है कि सदन के विधायक फोन ही उठा रहे हैं। आपके पास क्या खबर है, वो तो 12 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो खबर आपके सामने आ जाएगी और 7 तारीख को है ना 8 दिसंबर को आपके जो टेलीफोन है उसके तार कहाँ किसके कहाँ जुड़े हैं। ये जो टेलीफोनों का तंत्र है ना इस पे मत जाइए क्योंकि हमारे टेलीफोनों के तंत्रों पे जाओगे तो हमारी तारें कहाँ जुड़ी हैं, किनकी तारें कहाँ जुड़ी हैं, हमारे कई विपक्षी आके जो यहाँ पे बयानबाजी करते हैं उनकी तारें कहाँ जुड़ी हैं, बड़ा एक गंभीर सा मसला है ये टेलीकॉम, दिस इज अ टेलीकॉम वेब, सो डोंट गेट ट्रैप्ड इन दैट। मुझे एक चीज बताइए कि आपने कहा कि लोगों की भावनाएं पब्लिक ओपिनियन हमने लिया, तो पब्लिक ओपिनियन किसके लिए सबसे ज्यादा है, मोदी साहब के लिए, डबल इंजन सरकार के लिए, जयराम जी के लिए, भाजपा के लिए? प्रदेश की राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भाजपा के संगठन मंत्री को भी पब्लिक के लिए
नेताओं द्वारा कोटेड किया जा रहा है, क्या मान के चले कि अब संगठन में फेवरेटिज्म चल रहा है ज्यादा, या फिर विचार जो है वो फ्लेक्सिबल हो चुके हैं सत्ता के हिसाब से? विचारधारा पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और जो पद्धति प्रणाली है उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नीतियाँ और जो है उनका निर्णय जो दिया गया उनके मुताबिक ही बकायदा तौर पे फंडामेंटल्स पार्टी के सबसे ऊपर रखकर फैसले किए जाते हैं, ना इसमें कोई व्यक्ति विशेष का कोई रोल होता है। एक बहुत ही प्रोफेशनल तंत्र है, और अगर आप उसको डीपली एनालाइज करें, आई एम टेलिंग यू वेरी 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 ऑनेस्टली, इफ यू एक्चुअली गेट डाउन टू डू अ रिसर्च ऑन, वी से दैट बीजेपी इज द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स, बट इफ यू लुक एट द प्रोफेशनल वे इन विच बीजेपी वर्क्स, द हाउ द इलेक्शन मैनेजमेंट हैपन्स, हाउ द प्रोसेस ऑफ selection is done, how due diligence is done, at what angle, what factors are taken into, it's a very very professional, well oiled political party, and I'm sure no political party, मुझे लगता है कि भाजपा जो है केवल नंबर के हिसाब से लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, मेरे हिसाब से उसकी जो पद्धति प्रणाली है और जो काम करने का तरीका है, जो उसका प्रोफेशनल अप्रोच है टू वेरियस इश्यूज ऑफ पॉलिटिकल मैनेजमेंट, उसमें भी शायद ये दुनिया की सबसे अव्वल तरीन पार्टी है। धन्यवाद। Did we select any Congress leader? No. If they join the BJP, Congress is a crumbling citadel. It is falling like a house of cards. It is like an edifice which is वो रेत का एक, रेत की एक दीवार है, रोज गिरती जा रही है, ना बुनियाद है, ना उसमें पत्थर है, ना ईंट है, वो गिरती जा रही है। और हमने किसी कांग्रेस वाले को टिकट नहीं दी, हमने जिसको भी टिकट दी वो भाजपा ही था। अब कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस गिर रही है, कांग्रेस से सभी लोग भाग रहे हैं, रोज एक के बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट पे इंस्टॉलमेंट भाग रहे हैं। कल माननीय मनकोटिया जी आ गए जो कांग्रेस के थे, कल कालिया जी आ गए, कल और कोई आ जाएगा, परसों कोई और आ जाएगा, उसके बाद ऐसा ना हो कि सारा तंत्र ही कहीं आ जाए तो फिर आप कहेंगे ये कांग्रेस की टिकट होगी। जब वो टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, अगर अकेले वहां सिर्फ केवल परिवार ही एक परिवार रह जाएगा तो बाकी लोग अगर कहीं निकल जाएंगे आप कहेंगे ये कांग्रेस में है ना, तो वो तो नहीं होगा ना। कांग्रेस होगा, लेकिन अब कांग्रेस कहते हैं कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, लोग भी कहते हैं, आपके लोग कहते हैं। मैं ये समझता हूं कि भारत ने का एक रिवाज 2014 में माननीय मोदी जी ने बदला, राष्ट्र के प्रति निष्ठा का रिवाज बदला, सियासत का रिवाज बदला। और माफी चाहता हूं कांग्रेस में जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था, क्योंकि आपने बात की ये मेरा बनता नहीं था कहना, लेकिन एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, पैदा होते ही प्रधानमंत्री पैदा होता है, अ चाइल्ड इज बॉर्न एंड ही इज डेजिग्नेटेड एज द प्राइम मिनिस्टर, व्हाइल ही जब हमारे यहां ओम नमो शिवाय उसके कान में कहते हैं तो वो उनकी जो मेड होती है वो कहती है कि आप तो प्रधानमंत्री हैं, वो नर्सरी में जाता है वो प्राइम मिनिस्टर इन द नर्सरी, वो केजी में जाता है प्राइम मिनिस्टर इन द केजी, प्राइम मिनिस्टर इन द प्राइमरी, प्राइम मिनिस्टर इन द कॉलेज, और 50 साल की उम्र तक वो ढूंढता रहता है व्हेन एम आई गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज आई हैव बीन बॉर्न एज अ प्राइम मिनिस्टर, लोग हो या ना हो। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स को भी बीजेपी ने खत्म किया, और इसलिए रिवाज जो हमारा हमने बदला उससे लोगों को समझ आई कि यहां पे ये जो सिलसिला चल रहा है, परिवारवाद का सिलसिला चल रहा है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का चल रहा है, वो नहीं। जमहूरियत में वो आदमी ही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा जिसके समर्थन में लोग उठ के आएंगे। धन्यवाद। कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप से लिया है,
हाँ, खड़गे जी ने ये भी कह दिया कि वी ट्राई टू परसुएड राहुल जी, ही डिड नॉट एग्री। खड़गे जी को बना दिया और उन्होंने आज प्रेस वार्ता में ये कहा, साइडलाइंस में कहा, वी ट्राई टू परसुएड राहुल जी बट ही डिड नॉट एग्री, ही इज द बेस्ट चॉइस फॉर दिस। वो ही इज पार्डन माई सेइंग बिकॉज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बहुत एक लायक और काबिल आदमी हैं और एक माने गाने इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन खड़गे जी जो हैं वो सिर्फ भरत का रोल करने आए हैं। रामायण में होता है भरत का रोल, वो कुर्सी खाली तो खड़ाओं को पकड़ के बैठने के लिए आए कि दो चार दिन बैठो फिर वापस लाना है, क्योंकि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है उनको, यही है कि यही है बस, और कोई नहीं हो सकता। एंड इंडिया हैज रिजेक्टेड दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड परिवारवाद। नहीं, मैंने कहा जैसे भरत की खड़ाओ थी वैसे रामचंद्र आप नहीं, अगर आप रामचंद्र राहुल जी को बनाएंगे तो फिर राम राज्य की डेफिनेशन ही बदल जाएगी। आपने बनाया सर, आपने कहा था भाजपा भी सिद्धांतों पर है, 3 महीने पहले आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष कह दिया चुनावों में हार मंजूर है, किसी नेता पुत्र को टिकट नहीं मिलेगा। हिमाचल में तो नेता पुत्रों को भी टिकट मिले हैं, विधायकों की पत्नियों को भी टिकट मिले हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि सच में सिद्धांतों पर? क्या क्या दो आदमियों को टिकट मिला? क्या बाप और बेटे को टिकट मिला? क्या खामद और बीवी को टिकट मिला? ऐसा नहीं हुआ, जो उन्होंने कहा वही बात है, वही हुआ है। सर, संविधान ने हिमाचल प्रदेश में 68 में से 17 सीटें एसटी को और 3 जो है एसटी को दी, तो बीजेपी ने चौथी टिकट एसटी को क्यों दी? आपको इतराज है? नहीं, जनता को है सर। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात नहीं, एक माफी चाहता हूँ। मैं ये सवाल जो आपने पूछा तो मैं इसमें थोड़ी सी डाइग्रेशन करूँ। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है बट कोई बार नहीं करता किसी को कि नहीं भाई आप जनरल सीट पे आप खड़े नहीं हो सकते, ये बार नहीं है कोई। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है कि मिनिमम दीज नंबर ऑफ सीट्स, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डीलिमिटेशन। पहले मैं फिर आपको थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूं ताकि इसमें क्लैरिटी हो जाए, आगे के लिए काम आ जाएगी, आज के लिए तो नहीं। डीलिमिटेशन इज अ प्रोसेस, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस मैंडेटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जिस तरह वो डीलिमिटेशन की जाती है दैट इज नॉट चैलेंजेबल, और वो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, एरिया, डेमोग्राफी, द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंसिस, टोपोग्राफिकल कन्वीनियंसिस के बेसिस पे डिमार्केशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन एंड द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इट इज डिसाइडेड हाउ मेनी सीट्स विल बी रिजर्व फॉर एससीज, हाउ मेनी वुड बी रिजर्व फॉर एसटीज, एंड दोज सीट्स विच आर रिजर्व फॉर एससीज एंड एसटीज कैन ओनली बी कंटेस्टेड बाई दोज who come from those background. If there is an SC seat, only the scheduled caste can consider. And if there is an ST seat, only the ST. But that does not debar anybody from among the SCs or the STs to contest a general seat. That is my only submission. Thank you very much, ladies and gentlemen. Article 232 कहता है कि SC ST से ही लड़ेगा। नहीं 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 नहीं